हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सतीश। एंड जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आपको टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, सो टॉपिक ये है कि हाउ बॉडी मेक टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बॉडी टेस्टोस्टेरोन कैसे बनाता है, ठीक है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। बॉडी टेस्टोस्टेरोन कितना बनाता है एक दिन में मेल और फीमेल, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि बॉडी में 11 टाइप के सिस्टम होते हैं। CNS होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इन्हीं 11 सिस्टम में से एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड होते हैं वो काम करते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड होते हैं वो जैसे कि आपने सुना होगा नाम थायराइड ग्लैंड, सो ऐसे बहुत सारे ग्लैंड है जो काम करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। सो हम आज दो तीन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए, जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है बॉडी में। ठीक है, सो सबसे पहले हम जाते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास। सो ये आप देख रहे होंगे, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड CNS का पार्ट बोलते हैं उसको, ब्रेन का पार्ट है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, अपने GHR रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड GRH रिलीज करता है। GRH का फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, GRH। फिर GRH ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है LH एंड FSH। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। एक बार फिर रिपीट करूंगा, LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। LH जाता है टेस्टिस के पास। ठीक है, LH जब टेस्टिस के पास जाता है तो टेस्टिस के अंदर सेल्स होते हैं, जिस तरीके से बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं वैसे ही टेस्टिस के अंदर एक सेल्स होते हैं जिसका नाम है लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो LH टेस्टिस के पास जाता है और लीडिंग सेल्स को स्टिम्युलेट करता है। फिर लीडिंग सेल्स क्या करता है, ब्लड में आता है और ब्लड में जितना भी कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको लेके वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। आपने सही सुना, टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है। सो आज आपके दिमाग में ये चीज़ निकल जाना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बड़ा मिथ है कि हमको एग योक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो ये मेरा आंसर है कि एग योक खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। एग योक इज द गुड सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट विच इज़ नोन एज कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल को लेके आपके बॉडी में, तो आज आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गया रहेगा कि किसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन बनता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और कोलेस्ट्रॉल का सबसे अच्छा सोर्स है जो है एग योक। सो आज के बाद आपको फुल होल एग खाना है, एग योक को फेंकना नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड हार्मोन के पास। LH का काम हो गया, FSH जाता है टेस्टिस के पास। फिर FSH क्या करता है, FSH एक और सेल्स होते हैं टेस्टिस में, इसको बोलते हैं सर्टोलिक सेल्स। ठीक है, वो सर्टोलिक सेल्स को स्टिम्युलेट करता है, और सर्टोलिक सेल्स का काम है स्पॉन्स को बनाना। आपने सही सुना कि टेस्टोस्टेरोन बनाना और स्पॉन्ज बनाना, ये दोनों अलग अलग काम है टेस्टिस का। ये दोनों को कभी इंटर रिलेट नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों का काम अलग अलग है, क्योंकि इनके दोनों के सेल्स अलग अलग है। टेस्टोस्टेरोन बनता है लीडिंग सेल से और स्पॉन्ज बनता है सर्टोलिक सेल से। तो आज आपका ये मैथ क्लियर हो चुका होगा कि यार कि टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे को कभी रिलेट नहीं होता है, क्योंकि दोनों के सेल्स अलग है, दोनों के सेल्स अलग है, दोनों के हार्मोन अलग अलग है, बनाने के हार्मोन अलग है, दोनों के बनाने के सेल्स अलग अलग हैं। ठीक है, सो एक मेल
एक दिन में 4 to 7 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। जब इधर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो जाता है तो ये सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, तब वो अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना प्रोडक्शन बंद। सो जो मेल प्रोड्यूस करता है, जो मेल है वो 4 to 7 mg पर डे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल है वो 10 times लेस व्हाट मेल प्रोड्यूस अ डे। सो जो 4 to 7 mg है उसका 10 times लेस फीमेल प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस है हाउ बॉडी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा मेरे को डीएम करो, और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके मैं आते रहूँगा और आपको समझाते रहूँगा बॉडी का एनाटॉमी कैसा है, बॉडी काम कैसे करता है, क्या क्या अंदर चीज़ें होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम करता है, वो सब आपको मैं समझाते रहूँगा। कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज, रिलेटेड टू योर डाइट, रिलेटेड टू योर फिटनेस, रिलेटेड टू एनीथिंग व्हाट यू आर फेसिंग, जस्ट लेट मी नो। ओनली द क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटेड टू द फिटनेस। ठीक है, चलो, टिल देन मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।